Good evening friends, my name is Raj and you are watching your favorite channel Raj Technical Analysis. आज का डेट है 20 अक्टूबर 2021. आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं वो है टाटा मोटर्स. क्या ये राइट टाइम है बाई करने का? ये मेरा लास्ट हेडिंग था. और टाटा मोटर्स जो भी सब्सक्राइबर रेगुलर व्यूअर मेरे ये वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, टाटा मोटर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आज प्रॉफिट में रहेंगे. कितना प्रॉफिट, कैसे हुआ प्रॉफिट, सारा डिटेल हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे. ONGC जहाँ पे सारे फिर से टारगेट अचीव हैं और डिस टीवी क्या करना चाहिए, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए. पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलेगा जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करेगा. साथ में आप कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूँ. बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे. मेरे चैनल की USP यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं. मेरे चैनल की दूसरी बड़ी USP यह है कि मैं यहां पे हर फ्राइडे सैटरडे संडेज मंथली प्रीव्यू बनाता हूं. इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, रेगुलर व्यूअर है, अगर वो इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हर महीने इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपडेट होते रहते हैं. और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंथली प्रीव्यूज़ के कोई भी 10 वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं. साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, यहां पे भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है. अब बात करते हैं आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं, बट उससे पहले आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए जहां पे पिछले महीने इन्हीं तीनों शेयर्स का मैंने मंथली प्रीव्यू बनाया हुआ था. बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, यह सारा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए. टाटा मोटर्स का जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, जो भी मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहा है वो डेफिनेटली फ्रॉम जब से मैं टाटा मोटर्स के वीडियो बना रहा हूँ तब से आप लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे. लास्ट टू लास्ट बार अगर आप देखेंगे जब ये 360 के अराउंड 40-50 के पास था, 360 हाइस्ट गया था, तब भी मैंने वीडियो जो बनाया था 300 का आप लोगों को सपोर्ट लेवल दिया था और वो 300 तक गया एंड वहाँ से उसने रिवर्सल लिया. तो जो लोग वीडियोस पूरा देखते हैं, जो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी बताता हूँ, अगर आपने सपोर्ट पे लिया, जो मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, आज सोचिए आपने टाटा मोटर्स को 300 के नीचे लिया, 300 पे आपने अगर बाइंग की है और आज का वैल्यू इसका 486.90 है, आप आराम से आपका बजट होगा कि सोचो 360 का था टारगेट और वो अभी आपको मिल रहा है 486 पे, तो आप आराम से 450 या 400 भी पकड़ें तो काफ़ी है कि अगर 400 से नीचे आएगा तो ही सेल करेंगे, वरना करना ही नहीं है आपको, आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करके रखना है. तो टाटा मोटर्स का मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 16 सितंबर 2021, जब इसकी क्लोजिंग थी 311.65, सपोर्ट 1 था 280 का, सपोर्ट 2 300, सपोर्ट 3 320, रेजिस्टेंस 1 340, रेजिस्टेंस 2 360 और रेजिस्टेंस 3 380. टाटा मोटर्स आज के डेट पे अगर आप देखेंगे 20 अक्टूबर 2021 इसकी जो क्लोजिंग है 486.90 है, सपोर्ट 1 300, सपोर्ट 2 400, सपोर्ट 3 500, रेजिस्टेंस 1 500, रेजिस्टेंस 2 550, रेजिस्टेंस 3 है 600. हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे ये है 530 और इसका इस महीने का लोएस्ट है 293.10. अब आप लोग एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर टाटा मोटर्स का आपने इतना गैप क्यों रखा है सपोर्ट और में. जैसे आपने अगर रिसेंटली मैंने IRCTC का वीडियो बनाया था जहाँ पे अगर आप गैप देखेंगे वहाँ पे मैंने 1000 रुपये का गैप रखा था हर एक में, मतलब 5000, 6000, 7000, 4000, 3000. ओके, क्यों रखा था? जो भी उस टाइम वीडियो देखा रहेगा उनको समझ में नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट दो दिन से आप वो चीज़ क्लियरली समझ गए रहेंगे. गिरावट भी सीधा 1000 माइनस, कल गिरावट भी सीधा 1000 माइनस. ओके, आप वो चीज़ समझिए. कोई भी शेयर बहुत स्पीड से अगर ऊपर जाता है, आपने अगर सपोर्ट लेवल पे लिया आपको कोई परेशानी नहीं है. आप मैंने जैसे वीडियो में बताया कि 400 आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं, कि 400 से नीचे नहीं आएगा तो बेचना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट ही था 300 से 360 का. आपको 400 या 450 भी आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म, आप ये शेयर आपके हो गए, अभी ये अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था टाटा मोटर्स इससे पहले भी 360 गया था, 360 से नीचे आते ही जिन्होंने सेल किया रहेगा उन्होंने 300 पे फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला था. आई होप आप ये लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. अब बात करते हैं ONGC के बारे में. ONGC कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए. ONGC का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 16 सितंबर 2021 को, तब इसकी क्लोजिंग थी 128.70.
support 1105, support 2115, support 3130, resistance 1 bhi tha 130, resistance 2140, resistance 3 maine blank choda tha. ONGC aaj agar aap dekhenge 20 october 2021 154.90 pe closing hai. Support 1 hai 115, support 2 hai 135, support 3 hai 155, resistance 1 hai 155, resistance 2 hai 175 aur resistance 3 hai 200. Highest agar aap iska dekhenge 0172.75 hai, overachieved टारगेट है और इसका इस महीने का लोएस्ट है 124.75 जो 130 से नीचे आया था जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिया था. अब बात करते हैं डिश टीवी के बारे में. डिश टीवी कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे ज़रूर देखिए. अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो मेरा पहला वीडियो था डिश टीवी का, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भी मैंने सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल दिया था सब उसने काम किया था. ओके, अब बात करते हैं डिश टीवी का. मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 16 सितंबर 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 19.85. सपोर्ट 110 का, सपोर्ट 215, सपोर्ट 320, रेजिस्टेंस 120, रेजिस्टेंस 225, रेजिस्टेंस 330. डिश टीवी आज के डेट पर अगर आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग है 18.15 है. सपोर्ट 112, सपोर्ट 216, सपोर्ट 320, रेजिस्टेंस 120, रेजिस्टेंस 225, रेजिस्टेंस 330. हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे यह है 22.95 और इसका इस महीने का लोएस्ट है 16.90. ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियोस जो मैं आपको रेगुलरली आपके लिए इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ, आप इससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट टिप्स में मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं. जितनी बार आप देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे. पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद आपको भरोसा करना है तो अगर आप स्टॉक मार्केट टिप्स के सारे टिप्स फॉलो करोगे, आप लिख के ले लो, आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा. बट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव कवर्ड देयर. ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए. मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.